हेलो एंड वेलकम टू एंजल्स रसोई। आज मैं आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरीज की सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी है बनाना पैनकेक की। पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप आटा, 1 पिंच सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर इसमें 2 टीस्पून शहद डालेंगे। वन टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 5 मिनट तक इसको बीट करना। ऐसा करने से पैनकेक बड़ा सॉफ्ट बनेगा। फिर एक मीडियम साइज्ड बनाना लेके फोर्क के साथ मैश करेंगे। अब मैश्ड बनाना को बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल लेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे रख के रिफाइंड ऑयल के साथ ग्रीसिंग कर लेंगे। अब बैटर का 1 सर्विंग स्पून पैन में डालेंगे और इस तरह पैनकेक बना लेंगे। जब ऊपर वाली साइड कुछ फूलना शुरू हो जाए तो हम साइड चेंज करके ऊपर वाली साइड को भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। इसी तरह हम बाकी के पैनकेक्स भी बना लेंगे। हम प्लेटिंग के लिए हर पैनकेक के ऊपर बनाना स्लाइसेस रखेंगे और दूसरे पैनकेक से उसको कवर कर देंगे। सबसे ऊपर जो बनाना स्लाइसेस की लेयर है उसके ऊपर हम हनी ड्रिजल करेंगे। इस तरह हम पैनकेक्स को गार्निश करके सर्व करेंगे। मैंने तो अब अपना काम कर दिया, अब आपका काम बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करना होगा, फिर ऑल प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिले। अब मैं आपको ये पैनकेक काट के दिखाती हूँ। देखो कितना सॉफ्ट बना है। मैं जल्दी ही एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक यू।